लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। माँ अचानक बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं मिला तो गौतम ने माँ को कंधे पर ही उठा लिया और पूरे हॉस्पिटल में घूमता रहा। उस समय रात के 9 बज रहे थे। अस्पताल में सन्नाटा था, वहाँ कोई डॉक्टर या नर्स नहीं थे। गौतम माँ को कंधे पर लिए हॉस्पिटल में इधर से उधर बेचैन घूमता रहा। थोड़ी देर बाद एक गार्ड आया और उसने गौतम को बेचैन देखा तो उसे वार्ड में ले गया और माँ को बेड पर सुलाने को कहा गया। हॉस्पिटल की हालात ऐसी थी कि माँ को लिटाने के लिए एक स्ट्रेचर तक नहीं था। स्वास्थ्य कर्मियों ने डॉक्टर को फोन किया। फोन पर बात होने के करीब 20 मिनट के बाद डॉक्टर राहुल हॉस्पिटल पहुँचे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत हो चुकी है। महिला मीना मुसहर प्रेमनगर इलाके में एक पेड़ के नीचे तंबू लगाकर रह रही थी। 2 दिन पहले बेटे की भी कुपोषण की वजह से मौत हो गई। माँ बेटे की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई। बेटे की मौत से वे गहरे सदमे में थी। डॉक्टर ने बताया कि महिला की मौत भूख से हुई है। महिला की मौत पर डीसी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जांच में यह पता चला है कि महिला काफी दिनों से बीमार थी। वह काफी दिनों से कुछ खाई पी भी नहीं थी। डॉक्टर के मुताबिक उसे खाने के लिए लिक्विड चीजें दी जा रही थी। उसे टीबी की बीमारी थी।